मैच हारने का जो शर्त लगी थी पिज्जा पार्टी देने के लिए, और यासिर और उनकी बेगम ने मिलके वेलकम बैक टू अ चरण फैमिली कॉर्नर। आज है संडे और सब लोग सो के उठ चुके हैं। सबसे लेट उठा है वैरिश सोके, सबसे लेट उठा है यासिर सोके, दूसरे नंबर पे पहले चांदनी उठी है। सबसे पहले उठा हूँ मैं, उसके बाद उठा है वैदिश, उसके बाद उठा है यासिर, सबसे लेट उठा है अमन, जो अभी तक सोके नहीं उठा है, वो सो ही रहा है। और अभी वैदिश सबसे फास्ट है, वो नाश्ता भी कर रहा है। और कल रात अमन के सर पे कोई खड़ा था, सोते टाइम वो सो नहीं पाया है ठीक से, इसलिए वो सो रहा है। कल रात में गए कि 2 बजे सोने, उसकी तरफ एकदम जो है भाई साहब, ये जो बीच में सोया है मैं उनकी तरफ क्या हो गया हूँ, और अपना एक पैर मैं उसके एक पैर पे रखा हुआ था, उसके मेरे पे नहीं रखी, मार देगा रात में, मारे में रखा था मैंने एक आध बार जब इधर की तरफ आया हूँ। भाई लेकिन तुम बताते हैं रुको, मनवा पा रहे। तो गाइस अभी बन रहे छोले पूड़ी, फरीन बना रही है छोले। फरीन बहुत मेहनती लड़की है बेचारी, रात में मैगी वैगी खिलाई, फिर अभी छोले खिला रही है, पूरी मेहमान नवाजी कर रही है। बस एक सड़ा हुआ पपीता छोड़ के, जो उसके ऊपर प्रेशर था खत्म करने का, वो उसने खत्म करने के प्रेशर में खिला दिया। पर अभी नाश्ता वास्ता बन रहा है, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं, पूरे दिन मस्ती करेंगे, देखते हैं। फिर आप बने रहिए ब्लॉग पे और देखते रहिए। गाइस अमन उठ चुका है, रात भर बेचारा सो नहीं पाया, क्योंकि क्या था अमन, कोई दिक्कत थी, कोई अजीब सा लग रहा था यार, कोई लग रहा था सर के पास है ना, बाल नोच रहा, मार रहा है सरवा पे टक टक। और ये जो रात में घमासान मचाया है भाई साहब, जाओ तुम्हारा पपीता बचा हुआ है कल का, फरीन तुम्हारे हिस्से का रखी हुई है, वो खत्म करना है भाई, उसको थोड़ा सा बचा हुआ है वो खत्म कर ले। और अभी कैरम बोर्ड का मैच बचा हुआ है, 25 और 21 पंद्रह और 21 है, और जो भी हारेगा वो खिलाएगा पिज्जा, तो देखते हैं कौन जीतता है। और ये देखिए यहाँ पे एक मोटर पिज्जा वाला है, वो बाबू तो गाइस दिल से शुक्रिया आप लोगों का, हमारे 800 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया, ये सपोर्ट बनाए रखे चैनल पे। और एक चीज अभी बताना चाहूंगा आपको, कल किरण दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और दो दिन उनका फास्ट था, थर्सडे भी और फ्राइडे भी, और दोनों दिन उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, जिसके कारण उनको रात में डिहाइड्रेशन हो गया। अभी फोन आया था हमारे पास और वो पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो अभी चलेंगे देखेंगे उनकी तबीयत कैसी है। अभी वो डिस्चार्ज हो गई है हॉस्पिटल से, रात में ग्लूकोज उकोज चढ़ा है, तो अभी ठीक है वो, पर फास्ट रखिए, तो अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए रखिए, आपके हेल्थ को कोई हार्म ना पहुंचे, ऐसा कोई फास्ट ना रखिए, ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, देखते रहिए। गाइस ये आ गई है हमारे छोला पूड़ी, और एकदम जबरदस्त छोले दिख रहे हैं, और पूड़ी तो जबरदस्त है ही, छोले बहुत टेस्टी दिख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी छोले पूड़ी खाएंगे और स्वाद लेंगे, और बताते हैं खा के आपको कैसा बना है, देखने में तो एक नंबर लग रहा है। तो आखिरकार अमन को पपीता दे दिया गया है खाने के लिए, परीन ने टास्क कंप्लीट कर दिया है अपना, जो पपीता खराब होने वाला था वो खत्म कर दिया। ये देखिए पपीता कैसा लग रहा है, दो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, टेस्ट में कुछ चेंज, मीठा बहुत ज्यादा है, वो मीठा नहीं है, वो बैक्टीरिया है जिनको तुम चबा चबा कर। तो आखिरकार अमर को पपीता मिल ही गया खाने के लिए, और छोले पूड़ी हमने खा ली है भाई, क्या टेस्टी छोले पूड़ी बने थे, बहुत ही स्वाद, कुलचे वाले छोले थे, मटर वाले, मजा आ गया खा के एकदम। दोस्तों अभी मैच हारने का जो शर्त लगी थी पिज्जा पार्टी देने के लिए, और यासिर और उनकी बेगम ने मिल के ये मैच हारने के बाद बहुत ही बढ़िया पिज्जा मंगवा लिया, क्या टेस्टी पिज्जा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही माशाल्लाह वल्लाह, बहुत ही बढ़िया, बॉयज प्लेड वेल बट लॉस्ट इन द एंड, एंड वी प्लेड वेरी वेल, वो चीटिंग से जीते हैं, ये नहीं चुना। तो गाइस जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर, अब जानते ही है, ठीक है। तो फिर अभी पिज्जा खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारी टीम इंडिया जिनका मैच हम सुबह से देख रहे हैं, ये, मेरी बेटी का दांत निकल गया, ये।
और यहाँ एक अलग खुशी, दांत निकल गया है, एक दांत वाला हो गया हूँ मैं, एक वैदिश का एक दांत निकल गया है। ओ ना, मैं बिग बॉय, मेरे दांत भी है। अब मैं मुर्गा खाऊंगा, अब मैं काटूंगा लोगों को। इंडिया का मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और बॉलिंग तो जबरदस्त करी इंडिया ने, एकदम खतरनाक बॉलिंग करी, 200 रन पे ऑल आउट कर दिया। वैसे ही खतरनाक बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, कोई आ रहा है और फिर वो तुरंत जा रहा है, फिर कोई आ रहा है फिर वो तुरंत जा रहा है। अभी विराट कोहली जब तक खेल रहा है तब तक मैच बना हुआ है, और हम देखेंगे जब तक कोहली खेलेगा, वो फिंगर क्रॉस्ड कि इंडिया जीत जाए, देखते हैं मैच में क्या होता है। गाइज अभी चल रहे हैं डिनर करने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच लगभग खत्म हो गया है, विराट कोहली का शतक बच गया, 15 रन से कैच आउट हो गया हल्का सा, और अभी खाना खाने जा रहे हैं, मसाले वाली दाल, लौकी की दाल, लौकी डाल के क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है, और कुकर के अंदर चावल है और ये घी का डब्बा, यासिर कमजोर हो गया इसलिए घी ज़्यादा खा रहा है, हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, और अमन मोटा ज़्यादा हो गया इसलिए पूरी खा रहा है। अभी डिनर करेंगे, अभी मार दिया छक्का भाई साहब, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पागल हो गए हैं, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका मारना शुरू कर दिया है, और अब बस मैच जीतने ही वाली है अपना, इंडिया पहला वर्ल्ड कप मैच, और जल्दी से जीतेगी, खत्म होगा, हम निकलेंगे घर और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर निकलते हैं घर, क्योंकि किरण दीदी की तबीयत खराब, अभी चलेंगे मिलेंगे उनसे। और ये विनिंग रन्स, इसी के साथ इंडिया ने अपना पहला मैच जीत लिया है, छक्का मार तरीके से शुरुआत हुई थी उस तरीके से लग रहा था इतनी आसान जीत होगी, पर केएल राहुल और विराट कोहली ने जीत को बनाया आसान आज के। कैसा लग रहा है मैच जीतने के बाद? सब लोग डिनर कर रहे हैं जीत के साथ खाना, ये देखिए जीत की खुशी, जीत की खुशी, तो मैच जीत गए, अभी खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी जल्दी। हम जा रहे थे घर वापस, और अभी हो गई है यासिर और अमन में द्वंद, क्यों द्वंद हुआ है भाई, क्यों द्वंद हुआ है भाई? वो मेरा बैग नहीं लेके जा रहा है, यासिर ने एक बैग दिया है, वो घर जा रहा है तो दीदी का कपड़ा है गर्म तो उसको लेके जाना चाहिए, ये उसका फर्ज बनता है ना, फर्ज बनता है भाई, उसका फर्ज बनता है। तुम्हारा पॉइंट क्या है भाई? भाई उसने मुझसे बोला था अपन एक छोटा सा बैग है, ठीक है लेते जाना, मैं बोला ठीक है, अभी वो एक पूरा बैग दे रहा है मुझको, बड़ा बैग, हाँ बड़ा बैग की लेकर जाओ तू, मतलब मेरे पास तो सामान है ही नहीं। तुम्हारे पास पहले से क्या सामान है? मेरे पास दो बैग ऑलरेडी है भाई, और तुम क्या बोल रहे हो कि तुम जब बोलते हो तो क्या बोलता है यासे? भाई जब मैं बोलता हूँ कि मेरा कुछ सामान है लेते आना, तो भाई यार अमन देखना पड़ेगा अभी बहुत, अगर बैग में अभी बैग दिखाते हैं आपको, एक लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ मेरे पास 17 बैग थे, 17 बैग, फिर भी मैं अमन का सामान लेके, पूरे मोहल्ले का सामान लेके आ रहा था, फिर भी मैं सामान लेके गया था। अभी अभी दिखाते हैं बैग, आइए आपको बैग, बैग दिखा बैग, लोग गाइस आपको बैग दिखाते हैं, ये रहा ये छोटा, आप डिसाइड करो ये छोटा बैग है या बड़ा बैग है, बहुत छोटा बैग है, हमें से खींचा भी नहीं जा रहा भाई, मेरे पीठ में दर्द है, मैं 5 किलो ज्यादा वजन उठा नहीं सकता हूं, लेकिन बंद करो पहले छोटा करो, ये इतना हल्का बैग है, ये तो कमजोर है यार, इसको देखो, इसको देखो, भाई देखो जैसे पोलियो मार दिया मुझे, देखो जैसे कमजोरी है, मैं तो चला भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा, चक्कर भी आ रहा है, इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं चलता हूं तो बैग कैसे ले जाऊं भाई, बोल दो वो बोल दो प्राण जाए पर, यासिर क्या कह रहे हो, निकलो निकलो जाम लग रहा है, चलो गाइस तो हम लोग निकल रहे हैं यासिर के यहां से, तो गाइज अभी आ गए अमन को छोड़ने और सचिन भी आया है अमन को पिक करने, ये इतना बड़ा बैग था कि अमन खुद नहीं ले जा पा रहा था, सचिन ने बुलाया, लो सेब पकड़ो, सेब खाने के लिए दे रहे हैं मजबूती वो करो, तो गाइज अब निकलते हैं, आप अपना ध्यान दीजिए, अपने फैमिली का ध्यान दीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।